कि इंडिया मेक्स हिस्ट्री। भारतीय टूरिस्ट मोबाइल ऐप के जरिए आईफिल टावर में रुपये में भुगतान कर पाए। यूपीआई अब ग्लोबल हो गया। असल में दाहिर साहब, क्या हम इसको ऐसे लें कि इंडिया ग्लोबल हो रहा है, कि पेरिस में एफिल टावर को देखने के लिए भारतीय पर्यटक अब यूपीआई के जरिए टिकट ले सकेंगे। अब फ्रांस के अंदर उनके एफिल टावर के ऊपर वहां पर उनको मुतारिफ करवाया गया यूपीआई, और दुनिया को दिखाया गया, फ्रांस को दिखाया गया कि ये देखो, ये इंडिया की है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इतना बड़ा अचीवमेंट है भारत का कि पहले तो भारत ने अपनी इकोनॉमी को डिजिटलाइज किया। अगर मैं डिजिटलाइज की बात करूँ, कौन से ज्यादा कंट्री डिजिटल है, पाकिस्तान या फिर हिंदुस्तान? हिंदुस्तान ही है, ये सबको पता है। जी, और पे ना हो, यूपीआई लिंकेज लो, ये बेसिकली चीपर, फास्टर और सेफ रास्ते हैं रिटेल पेमेंट्स के एंड रेमिटेंस के। तो बात सुनो, मस्जिद होती क्या है? आईफिल टावर मेक्स हिस्ट्री एज फर्स्ट मर्चेंट इन फ्रांस टू एक्सेप्ट यूपीआई पेमेंट्स। इंडिया हमसे बहुत आगे है। वी बिलीव दैट इंडिया हैज वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव digital economy opportunities in the world. sanu kha gaya FATF, hum dhoondte reh gaye FATF ke saadi jaan hi nahi chuti FATF, kyun ke hum jo hai wo financial action task force ne, hamare yahan bank ke account khulwana mushkil kaam hai, hamare yahan banko ki transaction karna aukha kaam hai, hamare mulk mein to aapke account mein paisa aa jaye to bank pure khandan ka record nikalwa leta hai ke kyun tade kar paise aaye ne, dasso। एक तो एक बड़ी खबर ये है जो कि इंटरनेशनल मीडिया में इस वक्त चल रही है, और वो ये है कि आईफिल टावर मेक्स हिस्ट्री एज फर्स्ट मर्चेंट इन फ्रांस टू एक्सेप्ट यूपीआई पेमेंट्स। और इसमें इंडियन एम्बेसी जो है उसने ट्वीट किया है, जिसमें एम्बेसी ऑफ इंडिया इन फ्रांस ट्वीट्स यूपीआई फॉर्मली लॉन्च्ड एट द आइकॉनिक आईफिल टावर एट द ह्यूज रिपब्लिक डे रिसेप्शन इंप्लीमेंटिंग पीएम नरेंद्र मोदी announcement and division of taking UPI global। अच्छा, इसके बाद फिर इसके ऊपर जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने भी ट्वीट किया, great to see this, it marks a significant step towards taking UPI global। तो UPI अब ग्लोबल हो गया। असल में ताहिर साहब, क्या हम इसको ऐसे लें कि इंडिया ग्लोबल हो रहा है? ये जो ये खबर आई कि आईफिल टावर मेक्स हिस्ट्री, तो मैंने कहा कि इस खबर को तो ऐसे होना चाहिए था कि इंडिया मेक्स हिस्ट्री, इंडियंस यूपीआई मेक्स हिस्ट्री। कैसे देख रहे हैं आप इस डेवलपमेंट को? देखिए, यूपीआई तो ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड जाना जाता है, इसलिए कि इंडिया की 1.4 प्लस बिलियन मार्केट में ये जो इंटरफेस पेमेंट सिस्टम है वो ऑलरेडी सक्सेसफुली इंडिया में चल रहा है। आपने ग्लोबल की बात की, तो ग्लोबली अब बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि फ्रांस में एक तरह से ये वहां पे भी काम करेगा, और भारतीय टूरिस्ट भी बहुत जाते हैं फ्रांस, और एफिल टावर्स पे भी जा रहे हैं। तो देखिए, ये सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या वो जो एआई का काम है इंटरनेशनल जो हो रहा है पूरे का पूरा, उसमें भारत का कंट्रीब्यूशन तो ऑलरेडी बहुत है ना, इंटरनेट में और इस आईटी टेक्नोलॉजी में बेतहाशा। तो मेरे लिए कोई ये अचंभे की बात नहीं है। आप बहुत जल्द सुनेगी, मैं तो एंटिसिपेट करता हूँ कि अमेरिका में भी बहुत सारी जगहों पे आपको यूपीआई का हो जाएगा, क्योंकि जब मैं भारत जाता हूँ तो वहाँ पे मैं 10 रुपए की चाय भी खरीदता हूँ, तो मैं चूंकि वहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मैं तो कैनेडा से जाता हूँ, तो मुझे बड़ा रश होता है, लोग अपना फ़ोन खोलते हैं और वो 10 रुपए की भी पेमेंट कर रहे हैं, तो मुझे वो बस कैश में देता हूँ तो वो कहते हैं जी चेंज नहीं है हमारे पास, आपके पास नहीं है जो आप ही हमें पेमेंट कर सके। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इतना बड़ा अचीवमेंट है भारत का कि पहले तो भारत ने अपनी इकोनॉमी को डिजिटलाइज किया ऑल अक्रॉस इंडिया सक्सेसफुली। वहाँ भारत में एक सिस्टम नहीं, कई सिस्टम चल रहे हैं। अब ये मतलब पेरिस में भी हो जाता है तो जाहिर है इतनी बड़ी खबर बनती है। अभी फ्रांस के प्रेसिडेंट 26 जनवरी को भारत आए हुए थे, और जाहिर है भारत ने उसी मौके से फायदा उठाते हुए इसकी अनाउंसमेंट की, उसके लिए काम किया। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि भारत। और तार सर, मैं ये देख रही थी कि इसके अंदर ये भी है कि जो इसमें अपॉर्चुनिटी जो है फ्रांस के लिए भी है, क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल विजिटर्स टू द आईफिल टावर जो है दैट इज फ्रॉम इंडिया।
अगर मैं डिजिटलाइज की बात करूँ, कौन से ज्यादा कंट्री डिजिटल है, पाकिस्तान या फिर हिंदुस्तान? हिंदुस्तान ही है, ये सबको पता है। अच्छा, हाँ जी, इतने दावे के साथ कैसे कह रहे हो? उधर जो रेहड़ी वाला है या वो दूर दराज जिधर वो ट्रांसपोर्टेशन का सही इंतजाम नहीं है, उधर उनके पास वो सिस्टम बड़ा हुआ है, क्यूआर कोड उन्होंने पहले रखा हुआ है सामने, ताकि डायरेक्ट वहाँ क्यूआर स्कैन करो पेमेंट कर दे। हाँ, क्या हमारे यहाँ पर इतनी अवेयरनेस है? हमारे यहाँ अगर हम करने जाएँ वो ये समझते हैं कि फ्रॉड करने लगे हैं दुकानदार। हमारे दुकानदारों को आइडिया ही नहीं, हमारे मुल्क में 75 का रोड नहीं चल रहा क्योंकि उनको साफ करना नहीं आता, तो उनको ये चीज़ वो कहाँ कैसे लाएंगे अगर हुकूमत ही इनको सपोर्ट नहीं करेगी। मतलब ये भी है ना, आए दिन हमारा इजी पैसे का वो जो सर्वर है वो भी डाउन हो जाता है, ये भी एक फैक्ट है। ये पिछले 2 हफ्तों में 3 बार ये मसला हो चुका है। तो आप कैसे देखते हैं डिजिटल पेमेंट, डिजिटलाइज होना कितना ज़रूरी है, और क्या इससे कोई इम्पैक्ट पड़ता है बाहर की कंट्रीज़ का हम पे? जाहिर बात है, ये असल में इसका एक ये भी फ़ायदा है कि अगर आप पैसे अकाउंट में रखोगे चोरी होने के भी वो भी चांसेस कम होते हैं, क्योंकि वो अगर आपका मोबाइल छिन गया, फर्ज करो मोबाइल छिन गया, वो मोबाइल में से पैसे तो नहीं निकाल सकते अगर आपका डिजिटलाइज रहे, तो ये भी है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ इस टाइम जो क्रेडिट देंगे, जिस तरह जिस स्पीड से हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान आगे जा रहा है, क्रेडिट किसको जाता है? क्रेडिट उनकी आवाम को भी जाहिर बात जाता है जो, लेकिन उनकी गवर्नमेंट को भी, बेशक वो जिस तरह भी गवर्नमेंट है, जिस तरह की भी, उनने ये काम बड़े अच्छे किए हैं। एक तो उन्होंने सफाई का भी किया है, इंडिया में सफाई भी इधर होती है सफाई, और दूसरी बात ये है कि हमारी आवाम तो रही है, वो देखो किधर है, माशाल्लाह बहुत सफाई हो रही है। अच्छा, तो एक और फैक्ट ये है कि हमारी सियासत से निकले तो अपना हमारी कौम, हमारी वो जो एक अच्छा बंदा भी आज उसको पकड़ के जेल में डाल, इनके पास टाइम नहीं है दूसरी चीज़ें सोचने का। जिस मेन टॉपिक जिस पर बात कर रहे हैं, हाँ। सर, यूपीआई को बहुत सारी कंट्रीज ने अडॉप्ट कर लिया है। हाँ। अभी फ्रांस ने भी इंडिया से रिक्वेस्ट की थी कि भाई अपना यूपीआई मुझे दे दो, हमें दे दो, ताकि आपके आने वाले लोगों के लिए यहाँ पर प्रॉब्लम ना हो और हमारे लोग भी आपकी यूपीआई को यूज़ करें, हमारे जो फ्रेंडली रिलेशन है मजीद मजबूत हो सके। अमेरिका ने भी इंडिया से मांग चुका यूपीआई। हाँ। क्या कहेंगे अमेरिका, इतनी बड़ी पावर है उसको, उसके पास क्या डिजिटल पेमेंट्स का इतना अच्छा सिस्टम नहीं है जो इंडिया से मांग रहे? उनके पास भी सिस्टम होगा, लेकिन उन्होंने असल में अमेरिका में इंडियंस भी तो बहुत है ना, मे बी उन्होंने इंडियंस के लिए मांगा हो ताकि इंडियंस को किसी किस्म की दुश्वारी ना हो, क्योंकि जो भी अपने सिस्टम को वाम तरजीह देती है तो इंडियंस को दुश्वारी नहीं होगी उस सिस्टम से। आपको मैं एक चीज़ आपके इन्फॉर्मेशन में इजाफा करता जाऊँ, जितने को डिजिटल पेमेंट्स इंडिया में यूज़ होती पूरी दुनिया में कहीं नहीं होती। अमेरिका जितने को 3 सालों में पेमेंट ट्रांसफ़र करता मोबाइल के जरिए, इंडिया उतने 1 महीने में करता है। आप अंदाज़ा लगाओ कि डिजिटल पेमेंट्स में वो कितना आ गया। आप अगर अंदाज़ा लगाओगे, आईटी इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं, आईटी इंडस्ट्री में कौन आ गया दुनिया से अगर बात करूं तो, क्या हमारा और उनका या किसी और कंट्री के साथ इंडिया का कंपैरिजन हो सकता है आईटी इंडस्ट्री में? बिल्कुल नहीं। वो देखते हैं ना, वो इंडिया वो चांद पर चला गया है, तो हमारे तो इधर वो मीम्स ही बंदी रहती हैं, हम चांद पे जा सकते हैं? अच्छा, इंडिया में सबसे ज़्यादा डिजिटल वो होती हैं पेमेंट्स, तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा लापता बंदे होते हैं, फिर हम इस चीज़ में आ गए, हम दूसरी चीज़ में नहीं आगे आ सकते।